नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील से। हर हर महादेव। श्रावण माह के छठवें सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल के 2:30 बजे पट खोले गए। बाबा महाकाल का दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार कर महानिर्वाणी अखाड़े के महाराज द्वारा बाबा को भस्म रमाई गई। भस्म आरती के बाद बाबा का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। श्रावण मास के छठवें सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक, जल अभिषेक किया। इस बार बारिश ना होने के कारण मंदिर में बारिश के लिए भी भगवान से प्रार्थना की जा रही है। वर्ष में एक बार भी शिवना नदी में बाढ़ नहीं आई है और शिवना नदी ने पशुपतिनाथ के चरण नहीं पकड़े। मंदसौर में शिवना नदी की बाढ़ का पानी जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे शुभ माना जाता है। प्रार्थना तो यही है कि सभी को बारिश पर्याप्त मिले, खेतों में भी पानी की जरूरत है और पशुपतिनाथ भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं। उज्जैनी भी हो रही है और प्रार्थना भी सभी भक्त यही कर रहे हैं कि बारिश पर्याप्त हो, पानी आए, प्रभु स्नान करे। अभी तक श्रावण पूरा 2 श्रावण निकलने में आ रहे हैं और बारिश नहीं हुई है, प्रभु स्नान नहीं किया। प्रभु ने हमारी तो हार्दिक इच्छा ये है कि प्रभु स्नान करे, आठो मुख प्रभु के जो है जलमग्न हो, शिवना इतनी कृपा करे। आज श्रावण मास का 6वां सोमवार है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सुबह पट खोलने के बाद से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। और आज यहाँ पर श्रावण मास का 6वां सोमवार है, बारिश की शुरुआत हुई है और अभी इस सीजन में एक भी बार ऐसी बारिश नहीं हुई है कि शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे। बारिश के लिए जगह जगह प्रार्थना की जा रही है और आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर भी क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए कामना की जा रही है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश जी भट्ट मौजूद है, उनसे पूछते हैं, पंडित जी आज श्रावण मास का 6वां सोमवार है, आज क्या खास रहने वाला है? श्रावण मास सात पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और सोमवार, 3 योग आज एक साथ बनते हैं। 3 योग बनने के कारण से भगवान महादेव जी की पूजा करने से सभी की मनोकामना, आकांक्षा, इच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन प्रातः काल से लेकर सभी दर्शनार्थी बना रहे हैं और भगवान कृष्णा जी को जल, दूध, पुष्प, पंचामृत और फल अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, सात पुरुषोत्तम मास भी है, इसलिए इस श्रावण मास में इंद्रदेव से विशेष करके प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्रदेव, हमारे पूरे भारत में अच्छी वर्षा हो, हमारे सुदूर अच्छी वृक्ष वर्षा हो एवं इंद्र भगवान प्रसन्न हो और माँ शिवना मैया पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करें। बड़े लंबे समय से वर्षा की खेच हुई है और काफी बारिश को लेकर के जगह जगह प्रार्थनाएं की जा रही है। आज यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह का बारिश के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है? यहाँ पर भी भगवान पशुपतिनाथ जी का रुद्राभिषेक चल रहा है एवं श्रृंगार होगा और भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना विशेष करके की जा रही है। भगवान प्रभु किसी प्रकार से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए और अच्छी कुरुक्षेत्र में अच्छी बारिश हो और शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ जी का जल्दी जल्दी अभिषेक करे, ऐसी कामना की जा रही है। तो अभी बारिश की शुरुआत हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश आना शुरू हुई है और यही पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव से यही प्रार्थना की जा रही है कि इंद्रदेव के द्वारा यहाँ पर अच्छी बारिश हो और शिवना मैया यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे और पशुपतिनाथ महादेव के चरण पखारे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर।
और नरेंद्र धनोतिया खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त छठे सोमवार के दिन आज किस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पशुपति नाथ मंदिर की अपने आप में एक मुख्य अहमियत है और उसका एक मुख्य महत्व है। नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुबह से लेकर आप तक किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, अगर भक्तजनों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, अकीदतमंदों की बात करें, तो कैसा नजारा देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ का श्रावण मास हो और श्रावण मास भी हो, अधिक मास भी हो और श्रावण सोमवार भी हो, ये तीन योग आज अद्भुत योग ये आज बन रहे हैं। और इस योग का लाभ लेने के लिए, भगवान के दर्शन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। और सुबह 5 बजे भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पट खुले हैं, तब से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। मैं भी मंदिर के गर्भगृह से इसलिए दूर हूँ कि वहाँ पर काफी भीड़ है और वहाँ पर शिव मंत्रोच्चार और रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है, तो हमारी बात जो है वो सही ढंग से सुनाई नहीं देगी, इसलिए थोड़ा हम दूर आकर के खड़े हुए हैं। काफी उत्साह है लोगों में, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और 2 सावन निकल चुके हैं, एक भी बार ऐसा अवसर नहीं आया है कि भगवान पशुपतिनाथ के शिवना मैया चरण पखारे, शिवना नदी में बाढ़ नहीं आई है। और शिवना नदी में जब बाढ़ आती है, भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में घुसती है, तो उसको यहाँ के श्रद्धालु शुभ मानते हैं और अच्छी वर्षा की कामना इसलिए की जाती है कि खेतों में अगर पर्याप्त बारिश होगी तो यहाँ की फसलें भी अच्छी होगी। और इस बार लंबा समय हो गया है जो है फसलें, सोयाबीन की फसल है, अन्य फसलें जो है वो सूखती जा रही है, तो अब सभी जगह प्रार्थनाओं का दौर है। और इस बार श्रावण मास के छठे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर भी सब जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो पुजारी गण है और जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार एक भी बार ऐसी बाढ़ नहीं आई है कि शिवना नदी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे। अभी फसलों का संकट है, फसलों को पर्याप्त पानी चाहिए और उसके बाद में जल संकट भी आ सकता है, इसलिए भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो। जी बिल्कुल, तो पानी की पर्याप्त पानी, बारिश हो, पर्याप्त वर्षा हो, इसकी मनोकामना लिए लोग इस वक्त देखे जा रहे हैं। और तस्वीरें इसी तरह से कई मंदिरों की भी आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नरेंद्र जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। मोबाइल लूटने वाले को पीटा गया है, युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे 2 युवक, राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा है। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तलाशी में लूट का मोबाइल मिला है, लोगों ने चोरी के आरोपी को बांध कर पीटा है। पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पड़ाव थाना के फूल बाग मैदान की घटना ये बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे रहे हैं जहां पर मोबाइल लूटने वाले को पीटा गया, युवक का मोबाइल छीनकर ये 2 युवक भाग रहे थे, जिसके बाद आरोपी को धर पकड़ लिया गया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पड़ाव थाना के फूलबाग मैदान के पास की घटना ये बताई जा रही है। तो आरोपी पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, जब वहां के लोगों ने इस आरोपी को देखा और उसके बाद इसको धर दबोचा और अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है इन आरोपियों को। हमारे साथ सुशील हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सुशील, इस घटना के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, पुलिस के हवाले आरोपी को कर दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, कल रात पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे के पास की घटना है। यहाँ एक युवक के साथ लूट की घटना हुई थी, 2 जो बदमाश थे वो इस युवक का मोबाइल लूट कर भागे थे। जैसे ही लूट की ये घटना हुई, युवक के शोर शराबे को सुनकर आसपास के राहगीरों ने दौड़कर पीछा किया, जिसमें एक बदमाश को पकड़ लिया। उसके हाथ आने के बाद लोगों ने पहले उसे जमकर पीटा, पीटने के बाद उसके पास तलाशी के दौरान मोबाइल भी बरामद हो गया। लोगों ने इससे पूछताछ की, इसने बताया कि ये ग्वालियर के शिंदे की छावनी इलाके का रहने वाला है। उसी दौरान सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी के बारे में पूछताछ की जा रही है, साथ ही ये भी तलाशा जा रहा है कि क्या इन आरोपियों का पूर्व में भी कोई रिकॉर्ड है। तो अब पुलिस इस मामले में अगली कार्रवाई कर रही है, हालांकि इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन राहगीरों ने इस युवक को पीटा भी बेरहमी से है कल रात। जी, तो क्या ये ज्यादा जख्मी हुआ है, क्या इसे अस्पताल में भी भर्ती कराने की बात सामने आई है, और जो आरोपी है उसका ताल्लुक किस इलाके से, इस हवाले से कुछ जानकारी निकल के सामने आ पाई है सुशील? बिल्कुल, देखिए, ऐसी हालत उसकी नहीं है कि अस्पताल में उसे ले जाना पड़ा हो, लेकिन भीड़ ने जरूर उसे लात घूसों से पीटा है।
तो थोड़े बहुत जख्म जरूर है, लेकिन इस तरह के हालात नहीं थे कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। साथ ही अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसके इस तरह के क्या पहले के भी रिकॉर्ड है, और उसका जो दूसरा साथी है वो कौन था उसके बारे में। बिल्कुल, तो पुलिस जांच जारी रखे हुए है, इस हवाले से रिकॉर्ड्स भी खंगाला जा रहा है आरोपी का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। प्रिंसिपल टीचरों के साथ चपरासी बाबू भी पेपर लीक में शामिल है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 4 प्रिंसिपल 23 शिक्षकों को बोर्ड के काम से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने में सभी को माना गया है लिप्त, कसूरवार माना गया है। इन शिक्षकों को कभी भी मंडल का अब कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई की गई है उन लोगों के खिलाफ जो पेपर लीक मामले में शामिल रहते हैं, कसूरवारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रंजना हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। रंजना, ये बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है भोपाल से, जो बड़ी खबर है कि 10वीं और 12वीं की जो पेपर लीक मामला था उस में शामिल होने वाले कसूरवारों के खिलाफ कहीं ना कहीं ये बड़ा एक्शन दिख रहा है। सेना एक्शन की अगर बात कर ली जाए, ये पहले ही लिया जा चुका था, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो मार्च महीने का है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें बड़ा जो अपडेट यही है कि फिलहाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने आखिर जो पेपर लीक हुआ था उसमें गड़बड़ी हुई थी। और जिस तरीके से जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्राचार्य हैं, जो टीचर्स हैं, चपरासी हैं, वो इस पेपर लीक में शामिल थे, इस बात को खुद सरकार ने स्वीकार किया है। और ये कहा गया है कि अब जो प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, उन्हें बोर्ड के काम से हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। कभी भी उनको बोर्ड के काम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्रों की जो गोपनीयता थी उसको भंग करने में ये सभी जो प्राचार्य हैं, टीचर हैं, वो शामिल रहे थे। तो इस पूरी मामले में अभी फिलहाल जो बड़ा अपडेट यही है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई थी, और उसमें प्राचार्य टीचर के साथ जो ये तमाम लोग हैं जो शामिल थे। लेकिन फिलहाल इन सभी को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, एक्शन लिया जा चुका था, लेकिन स्वीकार्यता की जो बात है वो नहीं आई थी। लेकिन अब पेपर लीक कांड में सरकार ने ये माना है कि गड़बड़ी हुई थी और इसमें ये सभी लोग शामिल थे, इसीलिए अब इन सभी को बोर्ड के काम से हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। बिल्कुल, तो इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इंदौर का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, सियागंज व्यापारियों से 4 करोड़ की ज्यादा की ठगी की गई है। व्यापारियों ने सियागंज मार्केट में पोस्टर लगाए हैं। जी हाँ, दलाल गोपाल को ढूंढ के लाने वाले व्यक्ति को 1 लाख का दिया जाएगा इनाम। पोस्टर में ये तमाम चीजें चस्पा की गई हैं। नकद इनाम देने की बात की जा रही है। दलाल गोपाल पुरोहित ने सियागंज थोक व्यापारियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। लगभग आधा दर्जन व्यापारियों से ठगे हैं 4 करोड़ रुपए। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगभग आधा दर्जन व्यापारी हैं जिनसे ठगी की गई है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। व्यापारी तंग आकर पोस्टर लगाते हुए देखे गए, व्यापारियों की मांग क्या है मिथिलेश? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सियागंज मार्केट है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किराने का थोक का बाजार है। करीब 100 साल ये पुराना बाजार है और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ के व्यापारियों ने सियागंज में चौराहे पर पोस्टर लगा दिया है। गोपाल, एक दलाल गोपाल पुरोहित के नाम से एक पोस्टर लगाया गया है और कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन्हें ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो पूरा मामला है 4 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। अभी तक जानकारी जो सामने आई है कि जो कपिल पुरोहित है, माफ कीजिएगा, जो गोपाल पुरोहित है, गोपाल पुरोहित ये पहले यहाँ पर व्यापारियों के साथ में काम किया करते थे। नारियल और शक्कर के व्यापारियों से ये जुड़े हुए थे और दूसरे शहरों के साथ में जब व्यापार होता था, जो बिजनेस किया जाता था, उसके बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। यानी छोटे व्यापारियों के साथ में बड़े व्यापारियों के बीच में दलाली का काम करते थे। यहाँ से जो सामान है दूसरे जगह पर भेज दिया और उसके जो पैसे मिले थे वो खुद अपने पास में रख लिया, और जिसकी राशि करीब लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास है। इसलिए इस गोपाल पुरोहित से कई बार व्यापारियों ने संपर्क करना चाहा लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जो एयरपोर्ट स्थित जहाँ उनका मकान है वहां भी जब व्यापारी पहुंचे
वहां पर वो नहीं मिले। इसके बाद चौराहे पर पोस्टर टांग दिए गए हैं और ये 100 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब व्यापारियों ने किसी के लिए इस प्रकार का पोस्टर टांगा हो। हालांकि अब पूरा मामला जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यापारी किस हद तक परेशान है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, सूरजपुर से बड़ी खबर आ रही है। साइबर ठगी का शिकार हुआ ट्रांसपोर्टर, ठगों ने बैंक खाते से उड़ाए 6 लाख रुपए। कस्टमर केयर बंद कर ऑनलाइन ठगी की जा रही थी, ट्रांसपोर्टर ने थाने में ये मामला दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर, साइबर ठगी का शिकार हुआ है एक ट्रांसपोर्टर और उसने अब मामला दर्ज करा दिया है। ठगों ने बैंक खाते से उसके 6 लाख रुपए उड़ा लिए। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। जेल प्रहरी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, बदमाशों ने जेल प्रहरी का चेन लूट लिया है। एक्टिवा सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। एमजी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बदमाशों ने जेल प्रहरी का चेन लूटा है। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से खबर है कि मुरुम खदान में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई बिजौर की घटना है। 2 बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस हालांकि जुटी हुई। रायपुर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश में आज भी 12 से अधिक ट्रेनें रद्द रहेंगी। 15 अगस्त को यात्रा करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। 22 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित रहने की बात सामने आई है। 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 4 ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। और पिंडर से बड़ी खबर है, हाथियों का दल पहुंचा मरवाही के घुसरिया बीच। 38 दिन के में एपी में रहने के बाद वापस हाथियों का दल लौटा है। मरवाही वन मंडल में हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। बॉर्डर से सटे इलाकों में कई घरों को क्षतिग्रस्त इन हाथियों ने किया है। फसलों को जमकर इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मकानों और फसलों का क्षतिग्रस्त कर ये दल जंगल पहुंचा है। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते हैं। केलहारी इलाके में 2 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। केलहारी रेंज के बैरागी बीच में हाथी मौजूद हैं। बिहारपुर रेंज में फसलों को नुकसान ये हाथी पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से इलाके में घूम रहे हैं हाथी और वन अमला इनकी निगरानी हालांकि कर रहा है और साथ ही साथ ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील भी वन अमला कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ आज की ताजा खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहिए तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।